सर्किल के तीनों थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ल ने बताया कि रामगढ़ताल थाने पर थाना समाधान दिवस में कुछ जमीनी मामले आए, जिसको टीम भेजकर मामले का निस्तारण करा दिया गया। कुछ मामले जीडीए से संबंधित आए थे, ऐसे मामलों को जीडीए के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। थाना दिवस के अवसर पर कैंट थाने पर कैंट थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय, रेलवे पुलिस चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्रा तथा रामगढ़ताल थाने पर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह, उप निरीक्षक सूर्य कुमार पंडित, पुरुषोत्तम आनंद सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी तथा राजस्व की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, थाना समाधान दिवस का आयोजन जिले के सभी थानों में हुआ। कैंट सर्किल के भी तीनों थानों पर समाधान दिवस का आयोजन हुआ था, जिसपे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा थाना कैंट पे और मेरे द्वारा थाना रामगढ़ ताल पे रहा गया। थाना रामगढ़ ताल में 10 समस्याएं के आसपास हैं, इसमें एक दो समस्या ऐसी थी जिनका तत्काल निराकरण करा दिया गया। बाकी समस्याओं के लिए टीम गठित कर दी गई थी, जिनका टीम जाके अगले समाधान दिवस के पहले ही उनका निस्तारण कराना, एक गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करेगी। सर किस तरह के मामले लगभग सामान्यतः थाना समाधान तो जमीन वाले मामले ही आते हैं। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र में लगता है, समस्त समस्याएं वहीं की थीं। कुछ समस्याएं जीडीए से संबंधित भी थीं, जो जीडीए के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया उनके बारे में है, और बाकी जो जमीन संबंधी विवाद ग्रामीण क्षेत्र के थे वहाँ लेखपाल और पुलिस की संयुक्त टीम भेजी गई है।